Hello friends and welcome to the exams made simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 8th of March 2020. So 8 March 2020 ka news analysis dekhenge. Before we start, those who want to join the TEMS portal, they can join us by the links given in the description comment section below. Jinko economic survey ya hamari dusri PDFs chahiye, wo bhi niche comment in the description section se link di hai, wahan se le sakte hain. And thank you for the love and support that you people are giving us. Okay, so we should be thankful for that as well. So uske liye thanks a lot, and let's start the news analysis part today. Aaj Sunday ka din hai, itni zyada news items nahi aaye hain jitne amuman aate hain, so it's a good thing for you also ki jaldi newspaper complete ho jayega aur aap acche se aur baki cheeze pad sakte hain. To aaj ke din ka acha utilization karna, and it is 8th March 2020 International Women's Day is also there. So jo bhi jo jin mahilaon ne bhi contribute kiya hai, har mahila ek tarike se contribute karti hai, aap sabko pata hona chahiye cheez ki whether that is in monetary terms or not, whether that is generating income or not, but every woman is important. And har mahila ka agar hum kaam dekhe to we cannot imagine the plethora of works they are doing. Okay, so मतलब ये तो एक केवल एक दिन है इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट दैट, बट एक्चुअली वी सी दैट एवरी डे. ओके, वो चीज़ हम रोज़ देखते हैं, अपने घरों में अपनी माओ को देखते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि द प्लेथोरा ऑफ वर्क दे आर जस्ट अमेजिंग. ओके, सो इंटरनेशनल वुमेंस डे की भी बधाई आप सबको, एंड इट्स जस्ट अ डे. ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही के दिन हमको ऐसा करना चाहिए, बट वी शुड बी शोइंग अवर ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरी वुमेन एवरी डे. ओके, तो एक तरीके से दे आर रीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस वर्ल्ड. उन्हीं के कारण ये वर्ल्ड का जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल है. द सर्कल विच इज देयर, जो कि चलता जा रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द वुमेन. सो वी शुड बी थैंकफुल फॉर देम. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज एनालिसिस. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं आज के क्या क्या क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज USTTAD, यानी कि उस्ताद स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, इनमें से किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है. ऑप्शन आर ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, या डी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. क्वेश्चन नंबर टू इज अकॉर्डिंग टू द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ IIP डेटा, यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ IIP डेटा के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट वेटेज, इनमें से किसका हाइएस्ट वेटेज है. ऑप्शन आर ए कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, बी प्राइमरी गुड्स, सी इंफ्रास्ट्रक्चर गुड, या डी कैपिटल गुड्स. क्वेश्चन नंबर टू इज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज पब्लिश बाय, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इनमें से कौन पब्लिश करता है. ऑप्शन आर ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सी UN वुमेन, या डी UNDP. तो ये UPSC में ही पूछा हुआ क्वेश्चन, UPSC इज ऑलरेडी आज दिस क्वेश्चन इन 2017 आई थिंक 2017 के प्रीलिम्स में पूछा था ये क्वेश्चन. सो प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज थ्री क्वेश्चन इन द कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, एंड लास्ट में हम आपको आंसर्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज एनालिसिस पार्ट. तो न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. पहली जो न्यूज़ है वो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स. तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो कहाँ हो रहे हैं, वो हो रहे हैं गुलमर्ग में. ओके, सो गुलमर्ग में हो रहे हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर जम्मू कश्मीर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ UT, मतलब कि जब कोई उसको यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है जम्मू कश्मीर वाले रीजन को, उसके बाद ये पहली बार ऐसा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में वहाँ कंडक्ट किए जा रहे हैं. तो आप ये याद रख सकते हैं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर हुए हैं, गुलमर्ग में. तो मैंने बताया कि आज संडे का दिन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ ऐसी आई नहीं है. अगर आप देखो तो आपके साथ ही मैं चलता हूं आगे, आपको कहीं पे भी न्यूज नहीं मिलेगी इंपॉर्टेंट. ओके, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पेजेस, लेकिन कोई आज न्यूज आई नहीं थी. अच्छी बात है कि आपके लिए भी अच्छा है कि आप दूसरी चीजें पढ़ सकते हैं आज, है ना. सो दूसरी चीजें आप पढ़ सकते हैं, न्यूज ऐसी है नहीं आपको यहां पर डिस्कस करने के लिए. अपन मूव करेंगे बेसिकली 14th पेज पे, जो उसका FAQ पेज है. ओके, उसके पहले यहाँ पे न्यूज़ है फ्री एंट्री फॉर वुमेन इनटू मॉन्यूमेंट्स. तो आज के दिन मैं ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो वुमेन्स हैं उनके लिए वुमेन्स डे पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये किया है कि दैट दे विल नॉट बी चार्ज एंट्री फीस ऑन संडे ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज सेड, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा है कि किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट में, किसी भी मॉन्यूमेंट में जहाँ पे टिकट लगता है वहाँ वुमेन का टिकट नहीं लगेगा फॉर दिस डे ऑफ संडे. तो इसमें ताजमहल आगरा में हो, चाहे टीपू पैलेस हो बेंगलुरु में, दे ऑल विल बी फ्री फॉर वुमेन विजिटर्स वेदर दे आर डोमेस्टिक और फॉरन. तो डोमेस्टिक वुमेन हो या फॉरनर्स हैं, उन सबको किसी भी मॉन्यूमेंट में टिकट नहीं लगेगा. तो अगर आपको कहीं जाना है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, आप वैसे भी जा सकते हैं अगर आपका टिकट
सकता तो भी, बट जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक तरीके से कि वो प्राउड वाली फीलिंग आती है, एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती है, इसलिए ऐसे दिनों में जाना और ज़्यादा अच्छा लगता है ना, सो दैट गिव्स यू प्लेजर। तो इस तरीके से अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। चाइल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट रिजेक्ट्स पीएम्स इनिशिएटिव। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड की यंगेस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वर्ल्ड की यंगेस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट मणिपुर की लिसिप्रिया कांगुजाम है, ओके, याद रखना ये नाम, लिसिप्रिया कांगुजाम इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट। 8 साल की अभी होने वाली है ये, एंड मणिपुर की है, तो याद रखना मणिपुर की है लिसिप्रिया कांगुजाम, ओके। तो दिस इज द नेम विच इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। मैंने पोर्टल में ये शेयर भी किया था एक बार कि लिसिप्रिया कांगुजाम है, शी इज़ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट एंड शी इज जस्ट 8। तो शी हैज़ टर्न डाउन द प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव शी इंस्पायर्स अस, ओके। तो एक प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था शी इंस्पायर्स अस, तो यहाँ इसके बारे में लिसिप्रिया का कहना है कि डियर नरेंद्र मोदी जी, प्लीज़ डोंट सेलिब्रेट मी इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू माई वॉइस, अगर आप मेरी आवाज़ नहीं सुनते हैं देन डोंट सेलिब्रेट मी, थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग मी अमंग द इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द कंट्री अंडर योर इनिशिएटिव शी इंस्पायर्स अस, आफ्टर थिंकिंग मेनी टाइम्स आई डिसाइडेड टू टर्न डाउन द ऑनर। तो ऐसा लिसिप्रिया कांगुजाम का कहना है कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू अस देन प्लीज़ डोंट बी इंस्पायर्ड फ्रॉम अस, ओके, एंड देयर फॉर शी हैज़ रिटर्न द ऑनर। तो दिस इज अनदर थिंग विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, मणिपुर के है लिसिप्रिया कांगुजाम, वर्ल्ड की यंगेस्ट क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। आगे मूव करते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल टू डिस्प्ले रेयर मिनिएचर ऑफ रानी पद्मिनी। तो यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है, याद रखना ये कोलकाता में लोकेटेड है, ये इसने एक पेंटिंग मेंटेन की है राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट से, तो राजपूत की जो पेंटिंग स्कूल ऑफ आर्ट थी उसमें मिनिएचर पेंटिंग है किसकी, रानी पद्मिनी की, रानी पद्मावती की। तो ये रानी पद्मावती की जो पेंटिंग है इसको इंटरनेशनल वुमेंस डे पे वो निकालेंगे, इसको दिखाएंगे, शोकेस किया जाएगा। अब यहाँ पे पेंटिंग्स की बात चल रही, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जिसका नाम है भारत माता। अब ये भारत माता की पेंटिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट 1905 जब आपका बंगाल विभाजन का उस समय अनाउंसमेंट किया गया था तो उस समय भी ये पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। ये अभिनिंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है, अभिनिंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है भारत माता। दिस हैज बीन आस्क्ड एज अ क्वेश्चन ऑल्सो, आप इसको याद रखिएगा, एक बार मेरा सजेशन मानिए तो एक बार गूगल करके भारत माता की इमेज देख लीजिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हाथ में हैं वो भी आप देख लीजिएगा। तो भारत माता की पेंटिंग है बाय अभिनिंद्रनाथ टैगोर, दिस कैन बी अ प्रिलिम्स क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग है, तो भारत माता की पेंटिंग याद रखिएगा, अभिनिंद्रनाथ टैगोर इज द नेम, ओके। एंड दैट ऑफ एन इंडियन वुमेन डांसिंग विद एन इंग्लिश जेंटलमैन, एक और पेंटिंग है गगनेंद्रनाथ टैगोर की, इंडियन वुमेन डांसिंग विद एन इंग्लिश जेंटलमैन। तो ये दो पेंटिंग्स है, भारत माता तो जरूर याद रखना, भारत माता किसकी है, भारत माता है पेंटिंग है आपकी अभिनिंद्रनाथ टैगोर की, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। और रानी पद्मिनी की जो ये कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल, वहाँ पर ये चीज़ दिखाई जा रही है, ठीक है ना। और दिस वॉज द न्यूज़ आइटम, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जो कि हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे एक न्यूज है, एससी एसटी स्टूडेंट एनरोलमेंट इन पीएचडी प्रोग्राम्स रिमेंस लो इन आईआईटीज, ओके। तो यहाँ पे एक बेसिकली डेटा है जिसको कि आप कोट कर सकते हैं, कभी आपको आंसर राइटिंग में कोट करना रहा तो एससी एसटी के जो स्टूडेंट एनरोलमेंट है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए बहुत कम है आईआईटीज में, केवल 9.1% एससीज हैं एंड 2.1% एसटीज हैं, ओके। 9.1% एससीज एंड 2.1% एसटीज अमंग दोज एडमिटेड एट द डॉक्टोरल लेवल, ओके। तो डॉक्टोरल लेवल पे जो एनरोलमेंट होते हैं वो उनमें से उनका नंबर इतना रहता है, 9.1% SCs and 2.1% STs, okay? So ये भी आप याद रख सकते हैं, this can be a data which can be used, basically आप इसको use कर सकते हैं answer writing में, कि IITs and all, जब भी आपको कोई बड़ा answer लिखना हो, तो यहाँ पे basically ये chart क्या बता रहा है, कि IITs have failed to meet the reservation mandate, okay? तो reservation का जो mandate है उसको पूरा करने में वो fail हुए हैं, this is the thing which is there, okay? आगे move करते हैं, ओके, सो वी कैन मूव टू हेयर, यस। सो दिस इज द पेज, हाउ इज इंडिया कंटेनिंग COVID-19। तो कल भी मैं जब मैंने रिविजन वीडियो स्टार्ट किया, थोड़ा बफरिंग इशूज थे इसलिए हमको बंद करना पड़ा, बट कल मैं आपको स्टार्ट किया था तो COVID-19 के बारे में बता रहा था। तो अब देखो, कल जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है, एक ट्रैप हो सकता है जो आके आपको पता रहना चाहिए, यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगा तो एक
सॉरी, एक चीज आपको याद था कि इस डिसीज का जो नाम है वो है कोविड 19. द नेम ऑफ द डिसीज इज कोविड 19, नॉट दैट ऑफ द वायरस. कई लोगों को कंफ्यूजन है कि कोविड 19 ही वायरस है. कोविड 19 वायरस नहीं है. अगर आपसे कोई पूछे कि कोरोना, नोवल कोरोना वायरस क्या है, तो नोवल कोरोना वायरस है सार्स CoV-2. ओके, सार्स CoV-2 इज द नेम ऑफ द वायरस. तो ये आपको कंफ्यूजन दूर करना है दिमाग से कि सार्स CoV-2 जो है वो वायरस है, कोविड 19 जो है वो नेम ऑफ द डिसीज है. तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में क्लैरिटी बना के रखना. यूपीएससी अगर आपको फंसाना चाहेगा तो यहीं पे कहीं फंसाएगा, ठीक है ना. तो कोविड 19 इज बेसिकली द नेम ऑफ द डिसीज, एंड सार्स कोरोना वायरस SARS-CoV-2, याद रखना ये टू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सार्स सीओवी ऑलरेडी एक बार हो चुका है. वो 2003 के आसपास हुआ था, 2003 के आसपास चाइना में हुआ था, एंड सार्स सीओवी उसका नाम था उस समय जो वायरस था. अब जो है वो सार्स सीओवी टू है, क्योंकि ये दूसरा वेरिएंट है, इसलिए सार्स सीओवी टू यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है नोवेल कोरोना वायरस सार्स सीओवी टू. याद रखना इसमें जो इलनेस होती है बेसिकली वो निमोनिया होती है, निमोनिया कॉज करता है. सिम्टम्स अगर आप देखें तो ये 2 से 14 दिनों के भीतर आते हैं, और इनके अंदर फीवर, कफ, रनी नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं. फीवर, कफ, रनी नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. ओके, अब इस देखो ये आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें कि स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होती है. स्क्रीनिंग प्रोसेस वही हो रही थी कि मतलब कि एयरपोर्ट में जो लोग आ रहे थे दूसरी कंट्रीज से, घूम के आ रहे थे, कैसे भी आ रहे थे, तो उनका सीधे चेकअप किया जा रहा था कि आपको कहीं सार्स सीओवी है तो नहीं. तो इसी को प्रोसेस को, जो सेपरेशन की प्रोसेस होती है चेकअप की, इसको स्क्रीनिंग कहा जाता है, ठीक है ना. तो ये वाली चीज़ है. इसके अलावा हाउ इज़ द इन्फेक्शन बींग ट्रीटेड. तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स विद कोविड 19, इसमें एक डेटा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स है कोविड 19 के वो एडल्ट्स हैं. ओके, एडल्ट्स 80% आर एडल्ट्स, एंड दे एक्सपीरियंस्ड माइल्ड मोस्ट, मतलब कि जो एडल्ट्स हैं वो मोस्टली एडल्ट्स हैं, और जो उनमें से 80% जो लोग हैं उनको केवल माइल्ड इलनेस हुई थी. मतलब ऑलमोस्ट एडल्ट्स हैं और उनमें से जो 80% हैं उनको माइल्ड इलनेस हुई थी, 14% को सीवियर डिसीज हुई थी, एंड 5% को क्रिटिकली इल डिसीज, क्रिटिकली इल हो गए थे. तो याद रखें 80% को लेकिन माइल्ड इलनेस ही हुई थी अंडर द कोविड 19. ओके, चैलेंजेस क्या है. सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि किस तरीके से आप कंटेन करेंगे. कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ द डिसीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज, एंड सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप किस तरीके से कंटेन करेंगे कि एक व्यक्ति का कांटेक्ट दूसरे व्यक्ति से रोकना है. आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक व्यक्ति का कांटेक्ट दूसरे किसी व्यक्ति से रोकना है. और आपको पता है ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन. ह्यूमन बींग्स की आदत ही नहीं होती आइसोलेशन में सर्वाइव करने की. तो ये सबसे बड़ा इशू रहेगा कि आप किस तरीके से कंटेन करते हैं, दैट इज द चैलेंज. ओके, आगे हम देखें कि वॉट आर द हेल्थ ऑफिशियल एडवाइजिंग. क्या हेल्थ ऑफिशियल्स एडवाइस देने हैं. देर एडवाइजिंग दैट हैंड्स मस्ट बी रेगुलरली एंड थॉरली क्लीन विद एन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब और सोप एंड वाटर. तो आप हाथों को बिल्कुल साफ करते रहिए, एंड डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 meter और 3 feet मस्ट बी मेंटेन्ड फ्रॉम अ पर्सन कफिंग और स्नीजिंग. कोई व्यक्ति अगर कफिंग या स्नीजिंग कर रहा है तो आपको 1 meter से 3 feet तक का डिस्टेंस, 1 meter या 3 feet का डिस्टेंस आपको उससे मेंटेन करके रखना है. और कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसको फीवर, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है तो उसको मेडिकल अटेंशन देने की जरूरत है. तो कोविड 19 की ये फैक्ट्स आपको याद रखना है. क्रिप्टो रिलीफ, अभी क्रिप्टो रिलीफ क्या है बेसिकली, ये भी 2-3 दिन से न्यूज़ चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में वर्चुअल करेंसी को स्टार्ट कर दिया दोबारा से. उन्होंने बोला कि जो बैन लगा हुआ था, RBI ने सर्कुलर निकाला था, उस सर्कुलर से बैन लगा दिया था क्रिप्टो करेंसीज पे, तो उसको हटा दिया है. Why does the central banker find virtual currencies problematic? अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों सेंट्रल बैंक ने इनके ऊपर बैन लगाया था. तो सबसे पहली बात कि RBI कैसे डिफाइन करता है. तो RBI डिफाइन करता है क्रिप्टो करेंसी को एज अ टाइप ऑफ अनरेगुलेटेड डिजिटल मनी. जो RBI की डेफिनेशन है उसी में वो साफ साफ तौर पे बोलते हैं कि ये अनरेगुलेटेड डिजिटल मनी है, एंड इट इज़ इशूड एंड कंट्रोल्ड बाय इट्स डेवलपर्स एंड यूज एंड एक्सेप्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफिक वर्चुअल कम्युनिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि RBI इसको डिफाइन करता है अनरेगुलेटेड डिजिटल मनी के रूप में, इशूड एंड कंट्रोल्ड बाय डेवलपर्स एंड एक्सेप्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ अ वर्चुअल कम्युनिटी. सबसे बड़ी बात जो RBI का कहना है कि देर इज़ अ एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, देर इज़ नो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रनिंग इट, seen as plus by those who इट्स अ ड्रॉबैक बाय द ऑफिशियल्स मॉनिटरी सिस्टम. तो जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है वो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है.
There are other factors too. The value of such currencies are driven purely by speculative impulses. अब सबसे बड़ा reason ये है कि इसकी जो value है cryptocurrency की वो speculation based है. Speculation मतलब कि हाँ future में बढ़ सकती है घट सकती है, ये दिमाग की उपज से इसकी जो value है बढ़ती है घटती है. अब इस कारण से होता क्या कि बहुत volatile होती है. This is very volatile. तो हो सकता है आपने पैसा इसमें किया आपने cryptocurrencies में लेकिन आपका पूरा पैसा डूब गया, तो ऐसा भी हो सकता है. Volatile journey है बहुत ज़्यादा. तीसरा जो इशू है वो है एनोनिमिटी का. तो पहला इशू क्या मैंने बताया, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का ना होना. दूसरा वोलेटाइल है क्योंकि स्पेकुलेशन बेस्ड है. तीसरा आपका एनोनिमिटी, आपको पता नहीं चलेगा कि इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है या कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, तो ये इसका पता नहीं चलता. इस एनोनिमिटी के कारण काफी ज्यादा टेररिस्ट ऑपरेशंस की फंडिंग भी क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू हुई है. तो ये तीन इशूज मैंने आपको बताया, इसको नोट कर लेना, मेंस आंसर राइटिंग में लिख देना. पहला इशू क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, नो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, नो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. दूसरा इशू मैंने आपको क्या बताया, दूसरा जो इशू बताया मैंने आपको वो ये बताया कि ये वोलाटाइल होता है. वोलाटाइल क्यों होता है, वोलाटाइल इसलिए होता है क्योंकि स्पेकुलेशन बेस्ड होता है. तीसरा मैंने आपको क्या बताया, तीसरा मैंने आपको बताया ये एनोनिमिटी होती है, एनोनिमिटी होती है, इस कारण से इसमें टेररिस्ट फंडिंग और ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं. तो ये वाली जो बातें मैंने बताई ये बेसिकली हैं. और प्रॉपर जो कंट्री में R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस कंट्री का चौथा प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना स्ट्रांग है नहीं कि हम इसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर पाएं या क्रिप्टो करेंसीज को बहुत जल्दी समझ पाएं. तो ये भी एक अपने आप में चैलेंज है, इशू है हमारे लिए. अब कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बेसिकली जो बोला वो आर्ग्यूमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. कोर्ट ने ये बोला कि आप पूरी की पूरी किसी इंडस्ट्री के ऊपर बैन नहीं लगा सकते हो, कि आप रेगुलेटर हो तो ऐसा नहीं कि आप पूरी इंडस्ट्री को बैन लगा दोगे, है ना. लेकिन आप देखो बैन लगा सकते हो लेकिन जब आपको पूरे इम्पैक्ट्स पता हो. बट आरबीआई को क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ज्यादा पता है नहीं और फिर भी उन्होंने बैन लगा दिया. तो पहले आप रिसर्च तो करो, बेसिकली रिसर्च करो, उसके बाद हो सकता है कल को आपको समझ में आता है तो कल आप बैन लगा सकते हो. बट बिना रिसर्च किए, बिना उसके बारे में पता किए अगर आप बैन लगा रहे हो तो दैट इज रॉन्ग. ये चीज आरबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कही है. Why did Yes Bank have to be bailed out? अब यहाँ Yes Bank की बात चल रही है. अब आपको पता है Yes Bank के जो depositors थे उनके ऊपर restrictions लगाती हैं RBI ने कि 50,000 से ज़्यादा का पैसा वो नहीं निकाल सकते हैं. इसका मैंने कल भी आपको बताया था Yes Bank की failure का कारण क्या था. तो Yes Bank के failure का सबसे बड़ा कारण ये था कि loan तो लोग उससे ले रहे थे लेकिन लोन चुका नहीं रहे थे, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो बढ़ते जा रहे थे. दूसरा क्रेडिट बिल्ड करने में बहुत दिक्कत हुई, यस बैंक ने क्रेडिट नहीं मतलब बना पाया, अपना क्रेडिट अपना अच्छा नहीं बना पाए, कैपिटल एडिक्वेट कैपिटल उनके पास नहीं थी. तीसरी चीज़ कि उनका जो गवर्नेंस था वो बहुत ज़्यादा पुअर था, पुअर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस थे, है ना, पुअर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस थे. ये सारी चीज़ें हमने कल भी डिस्कस की थी, वही चीज़ आज न्यूज़पेपर में भी निकली है, ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे अगर देखो तो जो लोन थे 55,633 थे 2014 में करोड़ में, एंड डिपॉजिट थे जो थे वो 74,192 करोड़ थे. लेकिन अगर आगे आप देखोगे तो ये जो लोन है ये 209,497 करोड़ हो जाएगा, 3 times बढ़ जाएगा जितना पहले था. अब जब इतना ज़्यादा लोन बढ़ जाएगा और इतना कैपिटल उसके एवज में इन्होंने जनरेट नहीं किया है तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है ये बैंक तो फिर प्रॉब्लम की स्थिति में रहेगा ही. तो वही चीज़ यस बैंक के साथ हुई. ओके, तो अब एक नई स्कीम आई है जिसके तहत 49% जो स्टेक्स हैं आपके यस बैंक के वो कौन लेगा, वो आपका SBI लेगा, है ना. तो ये नई स्कीम के तहत उनको थोड़ा फंडिंग करने की कोशिश की जा रही है. अब लोग इस पर इंटरेस्टेड भी हैं, सबसे बड़ी बात ये कि लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं यस बैंक के लिए, ये अच्छी बात है. ओके, तो एक ड्राफ्ट जो आया है रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ये RBI ही लेके आया है, तो अब देखते हैं किस तरीके से इसके फायदे मिलते हैं, ठीक है. तो ये आप याद रख सकते हैं. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज में अगर हम आए तो यहाँ पे है न्यूज़, द सन ब्रिंग्स आउट अ फ्रेश बैच ऑफ सन स्पॉट. तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम बात करते हैं सन स्पॉट होता क्या है. सन स्पॉट्स आर रिलेटिवली कूलर स्पॉट्स ऑन द सन सर्फेस. सन के सर्फेस में जब रिलेटिवली कूल सर्फेसेस बन जाते हैं तो वो एक स्पॉट प्रोवाइड करते हैं, एक स्पॉट जैसे दिखने लगते हैं, उनको सन स्पॉट कहते हैं. याद रखिएगा, सन स्पॉट्स आर रिलेटिवली कूलर स्पॉट्स ऑन द सन सर्फेस. सन के सर्फेस से रिलेटिवली कूलर स्पॉट्स होते हैं वो आपके सन स्पॉट कहलाते हैं, ठीक है ना. अब ये जो सन स्पॉट बनते हैं एक साइकिल में बनते हैं, प्रॉपर एक साइकिल में बनते हैं, तो उसी के बारे में बताया जा रहा था. ये साइकिल नंबर 25 जो है जस्ट स्टार्ट हुई है, इस कारण से ये न्यूज आइटम आया है. पर हम सन स्पॉट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. सन स्पॉट्स के कारण
दो इवेंट्स जुड़े हुए हैं, एक है सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मासेस इजेक्शन। ओके, तो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं एंड कोरोनल मास जो निकलता है इसका रीजन है आपका सनस्पॉट ही, इसका रीजन है, वन ऑफ द रीजन फॉर देम इज सनस्पॉट, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सनस्पॉट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है और सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं ये आपके सनस्पॉट के कारण निकलते हैं। तो ये दूसरी चीज हमने जानी, पहली चीज हमने देखी सनस्पॉट क्या होता है, दे आर द रिलेटिवली कूलर सरफेस ऑन द सन सरफेस, ठीक है। दूसरा हमने क्या सीखा कि इससे दो इवेंट जुड़े हुए हैं, एक है कोरोनल मास इजेक्शन एंड सोलर फ्लेयर, ये दो चीज़ें निकलती हैं। अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप सन स्पॉट के बारे में जानेंगे जो यूपीएससी पूछ सकता है। पहला है सन स्पॉट ऑलवेज अकर इन पेयर, ये पेयर में अकर करते हैं, एक होता है लीडर एक होता है फॉलोअर। दूसरा ये है पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट है दे ओरिजिनेट डीप विद इन द सन एंड बिकम विजिबल ओनली व्हेन दे पॉप आउट, तो ये डीप विद इन द सन डेवलप करते हैं, दिखते तभी हैं जब ये बाहर निकल आते हैं। दे आर, थर्ड पॉइंट क्या है, देयर नंबर इज नॉट कॉन्स्टेंट बट शो अ मिनिमम एंड देन राइजेज अप टू अ मैक्सिमम एंड देन फॉल अगेन, इसी को सोलर साइकिल कहा जाता है। इनके नंबर सनस्पॉट के नंबर फिक्स नहीं है लेकिन ये पहले मिनिमम रहते हैं देन मैक्सिमम पे जाते हैं देन फिर से गिरना शुरू होते हैं, इन्हीं को सोलर साइकिल कहते हैं। तो दीज आर द थ्री पॉइंट्स रिगार्डिंग सोलर स्पॉट्स, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर देम, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये स्टेटमेंट देकर के। एक और इवेंट इसमें मेंशन था न्यूज आइटम में, वो था सोलर डायनामो। क्या है, द सन इज मेड अप ऑफ हॉट आयोनाइज्ड प्लाज्मा, सन जो है वो हॉट आयोनाइज्ड प्लाज्मा से बना हुआ है, हुज मोशन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, और जब ये हॉट आयोनाइज्ड प्लाज्मा मोशन करता है उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इन द सोलर इंटीरियर, सोलर के इंटीरियर में आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ हॉट आयोनाइज्ड प्लाज्मा। ये जो प्रोसेस है मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन की, इसी को सोलर डायनामो कहते हैं। तो इस फिनोमिना को सोलर डायनामो कहते हैं या मैग्नीटो हाइड्रोडायनामिक डायनामो मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है ना, मैग्नीटो हाइड्रोडायनामिक डायनामो मैकेनिज्म या सोलर डायनामो, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये तीन चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको जो मैंने यहां पे आपको बताई। फाइनली इंडिया शेयर SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसेस, तो इंडिया ने SARS-CoV-2 के जीनोम सीक्वेंसेस शेयर कर दिए हैं वर्ल्ड के साथ, और ये जो निकाले हैं जीनोम सीक्वेंसिंग जो की गई है, ये की गई है NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां पर है, पुणे में है, और इसने ये कर दिया। इसमें एक और जगह थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहंस, ये बेंगलुरु में है, तो ये भी आप निमहंस का भी याद रखिएगा लोकेशन, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। एंड हाउ वुंडेड प्लांट्स हील और सर्वाइव, अब एक न्यूज आइटम आया था कि हाउ द वुंडेड प्लांट्स दे हील एंड सर्वाइव, तो यहाँ पे लिखा है अ पेपर रिसेंटली पब्लिश शोज दैट अ प्रोटीन नेम्ड प्लेथोरा PLT, तो एक प्रोटीन है जिसको हम प्लेथोरा बोलते हैं, इट इनकोड्स स्टेम सेल्स प्रमोटिंग फैक्टर्स हेल्प इन द रीजनरेशन ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, तो याद रखिएगा प्लेथोरा नाम का प्रोटीन होता है जो कि प्लांट्स में हेल्प करता है रीजनरेशन ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम को। एंड ये जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन बाइंड्स टू एंड एक्टिवेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन CUC2, तो ये जो है प्रोटीन प्लेथोरा ये CUC2 नाम के जीन को मतलब बाइंड करता है एंड एक्टिवेट करता है, एंड दे टुगेदर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन है जो कि प्लांट का ग्रोथ हार्मोन होता है, उसको फिर ये CUC2 और प्लेथोरा नाम का जो प्रोटीन है ये जनरेट करते हैं, तो इससे प्लांट जो है वो अपने वुंड को हील करते हैं। दिस इज द प्रोसेस, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया, जो कि वुमेन टीम है उसको ऑल द बेस्ट, एंड वी होप दैट यू विल बी विनिंग द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आप जरूर जीतेंगे, सो दैट इज आवर विश फ्रॉम आवर साइड, दैट इज इट फॉर द डे, आई होप यू लाइक आवर वीडियो। आंसर्स एक बार बता देता हूं, मैं आंसर्स बताना भूल गया हूं, तो लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर टुडेज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछा था उस्ताद स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा था यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन IIP डेटा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हिसाब से हाईएस्ट वेटेज किसका है, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है वो प्राइमरी गुड्स का है, प्राइमरी गुड्स का 34% वेटेज होता है, कैपिटल गुड्स का 8% होता है, 15% होता है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल का, और इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स का होता है 12%, तो आप याद रख सकते हैं। जेंडर गैप रिपोर्ट पूछी थी मैंने, तो जेंडर गैप रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। सो दैट इज इट फॉर द डे, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।